प्रथम ओडीआई भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया। टी20 में भारत का दबदबा पूर्ण रूप से बना रहा, परंतु एक दिवसीय मुकाबले में भारत कमजोर दिखी। हालांकि रोहित शर्मा का बल्ला चला और अच्छा रन बरसाए। मुकाबला लंका के पक्ष में शुरू से नहीं था। लंका पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल नहीं हो पाई। निशांका फर्नांडो ने ओपन किया। फर्नांडो मात्र एक रन बनाकर सिराज के गेंद पर पवेलियन की तरफ चलते बने। फर्नांडिस ने पारी को संभालना चाहा, परंतु संभव नहीं हो पाया। शिवम दुबे ने उनका विकेट लिया। फिर कोई बल्लेबाज कुछ खास पारी खेलने में अग्रसर नहीं हो पाया, परंतु निशांका खड़े थे। 76 गेंदों पर 56 रन की पारी खेले। दुरित 67 रन की पारी खेले। लंका 50 ओवर में मात्र 230 रन ही बना पाई। बल्लेबाजी करने आए भारत के बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का बल्ला चला और अच्छा चला। रोहित शर्मा 68 किए पारी खेले। उनके साथ ओपन किए शुभमन गिल, परंतु शुभमन गिल 35 गेंद खेलकर मात्र 16 रन ही मार सके और पवेलियन की तरफ चलते बने। फिर बल्लेबाजी करने आए विराट। विराट का बल्ला खामोश रहा। सबको उम्मीद था कि विराट कोहली चलेंगे, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया। विराट का बल्ला खामोश रहा और 32 गेंदों पर मात्र 24 रन ही वो मार सके। रोहित शर्मा खड़े थे और 56 रन की पारी खेली। केएल राहुल, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, ये सब छोटी छोटी पारी खेले। 31 रन, 35 रन, 24 रन की पारी खेले। सबको उम्मीद था कि हो सके अर्शदीप ये मैच खत्म कर सके, परंतु संभव नहीं हो पाया। ये मुकाबला टाई हुआ और भारत जीत से दूर हो गई। हम आशा करते हैं कि आने वाला अगला जो मुकाबला है वो भारत के पक्ष में जाएगा। भारत के पक्ष में जाएगा और भारतीय खिलाड़ी अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि भारत एक ऐसी टीम है जो कि अभी विश्व कप जीती है, टी20 विश्व कप जीती है। हालांकि वर्ष 2023 में हम एक दिवसीय विश्व कप जीतने में सफल नहीं हो पाए थे, परंतु हम अच्छा खेले थे और हमारा खेल एक दिवसीय में बेहतरीन है और बहुत अच्छा है। हमारे खिलाड़ी चाहे विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे अर्शदीप हो या अन्य जितने भी खिलाड़ी हैं, सब अच्छा प्रदर्शन करने में कुशल हैं और कर सकते हैं। क्रिकेट से जुड़ी सारी खबर आपको मिलेगी इधर। देखते रहिए क्रिकेट इंशोमिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले। प्ले स्टोर पर जाएं, क्रिकेट इंशोमिया ऐप डाउनलोड करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।